हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के पेज नंबर 158 और 159 के क्वेश्चंस को। सो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तीन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक तरह से वन वर्ड आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है और हमें बताना है कि इसमें वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। तो देखो, वर्क को डन करने के लिए जो दो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो फोर्स होनी चाहिए बॉडी के ऊपर। दूसरा, अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही वर्क डन कहा जाएगा। पहला है, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। अब अगर ये पॉन्ड है हमारे पास और एक कोई यहाँ पे स्विमर है, लेट अस से दिस इज़ द स्विमर, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, एक्चुअल में एक पर्सन होगा। अब वो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट इसकी आगे की तरफ हो रही है, फोर्स भी वो अप्लाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट द वर्क इज डन। सो मैं वर्क के आगे टिक कर रहा हूँ कि वर्क हुआ। अ डोंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। सपोज दिस इज द डोंकी, ठीक है। एक तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि डोंकी है और इसने अपने ऊपर कुछ वेट कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब इस जो वेट की जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रही है, इस तरफ, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ये, बट जो डोंकी मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हैं दे आर एट 90 डिग्री। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं दैट नो वर्क इज डन। बट अगर आप इसमें कहते हो कि जो डोंकी आगे की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स डोंकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करके आगे मूव कर रहा है, उस केस में हम कह सकते हैं वर्क हो रहा है। बट जो ऑब्जेक्ट है या जो इसके ऊपर लोड है उसके कारण कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। देन द विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। सपोज यहाँ पे एक वेल है और यहाँ से पानी को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन। फोर्स लगा रहे हैं और पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारे यहाँ पे। देन अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ना तो फोर्स होती है ना डिस्प्लेसमेंट होती है, सो वर्क भी नहीं होगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जो फिनोमिना है, कॉन्सेप्ट है, उसमें ना फोर्स होती है ना डिस्प्लेसमेंट होती है। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, लेट अस से दिस इज द इंजन और इसके बाद यहाँ पे पूरी एक ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब इंजन यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी होगा। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, मतलब धूप में सूख रहे हैं। अब धूप में सूखने में ना तो फोर्स लग रही है ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो, कोई वर्क डन नहीं हुआ। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू इट्स विंड एनर्जी। जो सेल बोट होती है कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे एक पर्दा होता है, दैट मीन्स विंड एनर्जी यहाँ पे लग रही है, यानी फोर्स यहाँ पे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ होती है इधर, यानी फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी होगा। सो वर्क इज डन हेयर, ठीक है। सो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें वर्क नहीं हुआ, उनको आप मार्क कर सकते हैं। डोंकी कैरिंग अ लोड, वर्क नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस के केस में कोई वर्क नहीं हुआ। एंड फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन दिस सन के केस में भी कोई वर्क नहीं हुआ है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 158 एंड 159। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। ग्राउंड से किसी एंगल के ऊपर किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, दैट मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ में मूव किया एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड।
द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. वट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें बताना है कि कोई वर्क डन हुआ या फिर नहीं हुआ. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन तो समझ में आ गया. अब इसमें हम देखते हैं कि कोई वर्क डन हुआ या फिर नहीं हुआ है. सो पहले तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है. सो लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसको एक सर्टेन एंगल पे लेट अस से इस एंगल पे थ्रो किया गया. तो कुछ टाइम के बाद ये वापस उसी ग्राउंड पे आ गया, उतने ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन. ये फाइनल पोजीशन है इसकी और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये कर्व्ड पाथ इसने सपोज फॉलो किया. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो दोनों जो हैं वो सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है ना भाई, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी. बट अब हमें बताना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि दोनों सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. पहली बात तो ठीक है, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो अगर हम वर्क डन निकालते हैं वो होता है W इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हमारे केस में क्या है? जीरो है क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो. सो वी कैन से दैट नो वर्क इज डन. ठीक है, सो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब देखो यहाँ पे ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी फोर्स से वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन जीरो है. अगर हमें सपोज ऐसा कुछ होता कि इतनी फोर्स से हमने इसको फेंका और उसका हमें निकालना होता तो हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते. बट यहाँ पे हमें देखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई होती है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है. सो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो इस वीडियो में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 158-159 का क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, एक लाइन का आंसर है इसका. अ बैटरी लाइट से बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. कौन कौन से एनर्जी चेंजेस होंगे जब आप एक बल्ब को ऑन करोगे? तो सिंपल सा है, केमिकल एनर्जी आप याद कर लीजिएगा. केमिकल एनर्जी चेंजेस इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. That changes into heat energy and finally light energy. So ये एक तरह का प्रोसेस है जो होता है जब हम लाइट बल्ब को ऑन करते हैं. अब देखो ऐसा क्यों होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं. सो जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो इलेक्ट्रिकल लाइट बनने से पहले एक हीट प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी एंड अल्टीमेटली द हीट एनर्जी जो है वो आपको एक ब्राइट लाइट प्रोवाइड करती है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लाइट एनर्जी. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो.
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. बच्चों इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. सो बेसिकली 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे पेज नंबर 158 159 के. तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको जो चैप्टर है वो इजीली पूरा समझ में आ जाए. थैंक यू.